आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की। सारा काम हो चुका है और बस मैं तैयार होने जा रही हूँ। पूजा का सारा डेकोरेशन वगैरह सब छोटे बेटे ने कर दिया, बड़े बेटे ने भी तोरण वगैरह लगा दिया है, मंदिर भी सजा दिया है, खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है जो आप पहले देख चुके हैं और वीडियो में मैंने सब कुछ डाल दिया है। अब चलिए अब नहावा के फिर से रेडी हो जाती हूँ, तैयार हो जाती हूँ पूजा करने के लिए, और आगे का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। एवरीवन, दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ और गणेश, लक्ष्मी, बजरंगबली और जो चांदी का सिक्का था, इन सभी को मैंने स्थापित करके फिर उसके बाद जो भी धूप माला चंदन टीका जो करना रहता है वो करने के बाद मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। खाजा और बालूशाही मैंने घर में बनाया हुआ था वो चढ़ा दिया। उसके बाद जो भी मिठाई वगैरह बाहर से आई थी, चूरा, गट्टा, खील, बतासे, ये सब मैंने लक्ष्मी जी, माता जी सबको चढ़ा दिया है। बस अब मैं यहाँ पे गणेश और लक्ष्मी जी की पाठ कर रही हूँ, कथा पढ़ रही हूँ, उसके बाद आरती होगी। लक्ष्मी जी को मैं खील ऐसे ही चढ़ाती हूँ, ऊपर से उनको ऐसे ही चढ़ता है। सभी हमारे घर में सभी ने चढ़ाया खील बतासे। गणेश जी और लक्ष्मी जी की आरती कर लिया है, उसके बाद बस यही सब इतना किया, पूजा हो गई हमारी यहाँ पे। इसके बाद मैं पूरे घर में दीपक जलाया, सब जगह जहाँ जहाँ रखना था वहाँ सब जगह दीपक जला दिया, और उसके बाद छत पर फिर जाएंगे हम लोग। पूजा करने के बाद सब पूरे घर में मैंने दीपक जलाया, उसके बाद छत पर गई, तो वहाँ पर हम लोग को पटाखे तो जलाने नहीं थे, बच्चे जला रहे थे, सब हम लोगों ने छोड़ा, इंजॉय किया। आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। हैप्पी दिवाली टू ऑल।